हेलो जी, वी आर बैक विद एन अदर व्लॉग। गाइस कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप अब खैरियत के साथ होंगे। तो गाइस मैं आज आपको जामिया अशरफिया का वापसी का रास्ता मैं आपको दिखाऊंगा, वापसी का रास्ता किस तरह है और हम किस रास्ते से आते हैं, और आपको मैं वो रास्ता ज़रूर दिखाऊंगा। अब मैं इस वक्त बाइक पे जा रहा हूँ। ये आपको सामने दरख्त वगैरह नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये बहुत मतलब कि जैसे ही जामिया से बाहर आते हैं तो ये सामने दरख्त वगैरह लगे हैं, जब इनके नीचे से गुजरते हैं तो मज़ा आ जाता है यार। मज़ा एक लेवल है यार, इन दरख्त के नीचे से गुजरने का ना एक अपना ही मज़ा है, ठीक है। और इसके साथ साथ जब हम दरख्तों से गुजरते हैं ना तो हमें क्या फ़ायदा होता है कि हम एक सांस ले तो सांस का हमें मतलब ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो गाइस ये तो साइंस की बातें हैं, ये तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह पता भी है, आपको भी पता है। तो हम आपको वापसी का रास्ता दिखा रहे हैं। इस वक्त हम जामिया से बाहर आ चुके हैं, तो मैं नहर पे कुछ नहर जो है जहाँ से हम गुजरेंगे उस नहर की भी मैं आपको वीडियो वगैरह थोड़ी सी दिखा देता हूँ कि वो नहर है और इस नहर में लोग नहाते भी है। हमारे पे जब भी लोग कहते हैं कि भाई इसमें नहाया करो, इसमें वजह क्या है, जो गंदे कीड़े होते हैं ना आदमी के गंदे कीड़े जिस्म के अंदर और जो फिंसियाँ दाने वगैरह फोड़े वगैरह होते हैं वो इस पानी से मर जाते हैं, क्योंकि गंदा पानी है। नहर ऐसी साफ़ है ना, माशाल्लाह मज़ा आ जाता है। नहर में आपको दिखाऊँगा, तो रहिएगा हमारे साथ, मैं आपको ज़रूर नहर दिखाऊँगा। गाइस मैं इस वक्त ये जो नहर है वो सामने नहर है, ठीक है। हम वापसी पे जा रहे हैं और मैं बाइक पे हूँ, तो मुझे खतरा भी है यार, एक हाथ से बाइक चलाना कोई खाला जी का वारा नहीं है। और जिसके पास बाइक है वो कहते हैं कि भाई बाइक की सवारी करें, जिसके पास गाड़ी है वो कहता है भाई गाड़ी की सवारी अच्छी है। ये आप देख रहे हैं बहुत स्पीड से गाड़ी गुजर रही है, मैं इस वक्त बिल्कुल स्लो रास्ते पर जा रहा हूँ। तो ये नहर है, आप देख लें इंशाल्लाह। फिर जब हम जहाँ पे नहाने आएंगे, क्योंकि नहाने तो नहीं वैसे मतलब कि अपने आप को गंदा करने आएंगे, ठीक है, तो उस वक्त ये भी मैं आपको दिखा दूंगा। ये लोग आप देख रहे हैं कितनी स्पीड से यहाँ से गुजर रहे हैं, पता नहीं आपको मेरी आवाज़ आ भी रही होगी या नहीं आ रही होगी। तो आपको इंशाल्लाह मैं ज़रूर दिखाऊँगा कभी ना कभी ये नहर। मज़ा आ गया भाई, अंडरपास का मज़ा ही आ गया कि नहीं आया, कि नहीं मज़ा? हाँ हाँ, बड़ा मज़ा आता है भाई। जो पहला अंडरपास आया था बहुत मज़ा आता, बहुत मज़ा आता। सो गाइस ये दूसरा अंडरपास, हाय 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 हाय, मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया है, मज़ा आ गया। दूसरा अंडरपास जो आपने देख लिया ना, लेवल के बने हुए हैं भाई, लाहौर के अंडरपास तो बहुत ज़बरदस्त किस्म के बने हुए हैं भाई, ज़बरदस्त। तो गाइस हम इस वक्त जमान पार्क से गुजर रहे हैं, ये आप देख रहे हैं कि फ्लैक्स वगैरह लगे हुए हैं इमरान खान के, भाई इमरान खान के पीटीआई के जमान पार्क के लगे हुए हैं, ठीक है ना। हम आपको ये भी दिखा रहे हैं। तो गाइस ये हमारा आखिरी अंडरपास है, बिल्कुल आखिरी अंडरपास, इसके बाद हम अपने घर की तरफ बिल्कुल करीब हो जाएंगे। ये आखिरी अंडरपास चल रहा है हमारा, और इस पर मैं आखिरी अंडरपास के साथ व्लॉग का भी आखिर करता हूँ। भाई अपनी सेहत का ख्याल रखें भाई, आप हमारे लिए बहुत कीमती हैं। अगर आप हमारी वीडियो नहीं देखेंगे तो आप हमारे जैसे आप हमारी वीडियो नहीं देखेंगे, आप हमसे मोहब्बत नहीं करेंगे तो फिर हम कैसे वायरल होंगे भाई, सोचने की बात है। तो अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।